मुंबई के एंटीलिया केस का सच तलाशने में एनआईए की टीम जुटी हुई है और इस बीच टीम ने अंबानी के घर के बाहर मुंबई पुलिस के पूर्व अधिकारी सचिन वाजे को बीती रात कुर्ता पजामा पहनाकर सीन का रिक्रिएशन किया। तो यहां एनआईए का दावा है कि 25 फरवरी की रात सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध सचिन वाजे ही था। तो यहां एनआईए टीम ने देर रात करीब 10:30 बजे क्राइम सीन रिक्रिएट किया। तो यहां सचिन वाजे को पैदल चलाया गया। बता दें आपको कि यहां गाड़ी में बिठाकर भी जांच की गई। तो यहां करीब ये पूरा घटनाक्रम एक आधे घंटे तक चला और इस बीच एनआईए के साथ सीएफएसएल की टीम भी मौजूद थी। वहीं मनसुख हिरेन की मौत के मामले की जांच के बाद अब एनआईए के पास जा सकती है और अब इस बीच में मनसुख मामले की जांच एटीएस के पास ही है और यहां एटीएस को सचिन वाजे का प्रोडक्शन वारंट मिला है। सूत्रों के मुताबिक एटीएस ने कोर्ट में बताया कि उनके पास बयान और तकनीकी सबूत है और जिसके आधार पर सचिन वाजे मनसुख की हत्या के शक के दायरे में है। और यहां एंटीलिया केस में एनआईए ने कोर्ट से कहा कि सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वकील मौजूद नहीं होने की वजह से उन्होंने सही जवाब नहीं दिए हैं और यहां अनुमति दिए जाने के बावजूद वकील नहीं पहुंचे हैं। और यहां टीम ने कहा कि गुरुवार को 2 और लग्जरी कार जब्त की गई हैं और जिसे मुंबई के निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा कथित तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि एक टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो कार ठाणे के साकेत क्षेत्र में वाजे के आवास के बाहर खड़ी मिली और इसके अलावा एक मर्सिडीज कार भी जब्त की गई है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि यह कहां से बरामद हुई है। मामले में अब तक जब्त किए गए वाहनों की संख्या 5 हो गई है और जिसमें एक अन्य मर्सिडीज, एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा कार शामिल है। और यहां वाहनों को कुंबाला हिल स्थित एनआईए कार्यालय लाया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।